नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुंबई में ड्रग्स की तस्करी का जाल फैलता ही जा रहा है। एनसीबी की जांच में नए नाम जुड़ते ही जा रहे हैं। अब मुंबई के फेमस मुच्छड़ पानवाला का नाम इस मामले से जुड़ता दिख रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में मुच्छड़ पानवाला के मालिक को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 200 किलो ड्रग्स जब्त किया है। इस मामले में एनसीबी ने दो दिन पहले ही अभिनेत्री दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और एक ब्रिटिश नागरिक को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान मुच्छड़ पानवाला का नाम सामने आया। एनसीबी को शक है कि दोनों आरोपी मुच्छड़ पानवाला को ड्रग्स से सप्लाई करते थे। इस जानकारी के बाद अब मुच्छड़ पानवाला एनसीबी के रडार पर है। एनसीबी के अधिकारी अब इस पान की दुकान के मालिक से पूछताछ करेंगे। आरोप है कि यहां पान में ड्रग्स को मिलाकर दिया जाता है। ये दुकान दक्षिण मुंबई में केम्स कॉर्नर में स्थित है। आपको बता दें कि मुच्छड़ पानवाला मुंबई की फेमस पान दुकान है। यहाँ पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पान खाने आते हैं। सेलिब्रिटीज ही नहीं, मुंबई के कई जाने माने उद्योगपति और टेक टाइकून यहाँ पान का शौक पूरा करने के लिए आते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मुच्छड़ पानवाला को ड्रग्स से सप्लाई करते थे। ड्रग्स और पानवाला का कनेक्शन कोई नया नहीं है। पहले भी कई बार ऐसे मामले आए हैं जब पान बेचने वालों को ड्रग्स बेचने के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।